विवादों में हमेशा रहा पनकी का महावीर हॉस्पिटल की फाइल सीएमओ कार्यालय से गायब हो गई। विभागीय कर्मचारियों की घोर लापरवाही सामने आने पर सीएमओ ने कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही एक सप्ताह में सही रिपोर्ट और फाइल की जानकारी न देने पर अधीक्षकों को उनके पद से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि कल्याणपुर में अवैध हॉस्पिटलों की भरमार है, फर्जी रजिस्ट्रेशन से हॉस्पिटल चल रहे हैं। इस तरह की जानकारी पर सीएमओ की टीम कार्रवाई कर रही है। कई हॉस्पिटल सीज हुए हैं, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसके संचालक ने कागज तो दिखाए हैं लेकिन उनकी फाइल सीएमओ कार्यालय से गायब है। विभागीय कर्मचारी उन फाइल को नहीं दिखा पा रहे हैं। महावीर हॉस्पिटल के छापे के दौरान FIR लिखाई गई, कार्रवाई हुई, इसके साथ ही कागज दिखाने को आदेश हुए। हॉस्पिटल संचालक ने जो कागज दिखाया वो कार्यालय से गायब मिले, जिस पर सीएमओ ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा काशी हॉस्पिटल का भी देखने को मिला कि जिस हॉस्पिटल की फाइल भी गायब रही। आपको बता दें कि कल्याणपुर के अधिकतम हॉस्पिटल की फाइल सीएमओ कार्यालय से गायब है। इस मामले में CSC के अधीक्षका को रिपोर्ट देने के लिए कहा था लेकिन नहीं दी गई और विभागीय कर्मचारी भी गुमराह कर रहे हैं, जिस पर सीएमओ ने सभी CSC के अधीक्षक को एक सप्ताह का फिर से मौका दिया है, अन्यथा सभी को पद से हटाने की बात कही है। रिपोर्ट शासन भेजने के लिए बोला है। कल्याणपुर के सभी हॉस्पिटलों की रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए हैं। जी, जो महावीर अस्पताल पर जो कार्रवाई की गई थी उसमें मैं भी गया हुआ था देखने के लिए। तो जो मांगी गई थी उनसे रजिस्ट्रेशन वगैरह था उन्होंने नहीं दिखाया था, और जो मरीज भर्ती थे इनमें एक ही कमरे में कई मरीज थे, उसमें डेंगू का भी मरीज था। उसके अंदर आपके बाद में जब जाँच हुआ तो कोरोना पॉजिटिव था, तो इस तरह से कार्रवाई किया गया था। बाद में जो दूसरी टीम गई स्पेशल के उस माध्यम से, तो उनके बताया कि हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन है, FIR भी कराया गया था, रजिस्ट्रेशन कागज़ पुराना दिया गया। तो मेरे द्वारा मांगा गया कि राइट कहाँ है, फाइल कहाँ है, ओरिजिनल लाई जाए। वो हफ्तों फाइल नहीं मिली। बाद में एक फाइल लाई गई जिसमें डॉक्टर AK सिंह शुक्ला जी जब थे CMO साहब और डॉक्टर AK सिंह के उस समय नोडल अधिकारी, तो उन लोगों के हस्ताक्षर से एक कागज जारी किया गया था उनका रजिस्ट्रेशन का, वो बाद में मिली एक हफ्ते के बाद। लेकिन फिर भी जो महावीर ने जिस समय हम गए हुए थे, जो FIR दर्ज की गई है वो FIR रही है, और जो अनियमितताएँ पाई गई थी उसमें, उस अनियमितताओं का ऑलरेडी FIR दर्ज है। उसमें जो अनियमितताएँ पाई गई हैं उससे संबंधित भी पत्र उनसे पूछ करके कार्रवाई के लिए किया जाएगा कि हाँ आपने लाकर रजिस्ट्रेशन की फाइल मिल भी गई, रजिस्ट्रेशन पहले से था भी, तो भी ये रजिस्टर्ड अस्पताल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो नियमानुसार गलत हो, नियम के विपरीत हो। एक तो ये होगी। दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि हमने यहाँ पे पहले हमारे तो दूसरे अधिकारी देख रहे थे, कमिश्नर साहब ने कहा कि इनको बदल दीजिए, दूसरे करिए, तत्कालीन कमिश्नर ने, मैंने इनको बदल करके डॉक्टर SK सिंह को चार्ज दिया। डॉक्टर SK सिंह से अकेले नहीं हो पा रहा था, मैंने दूसरे एडिशनल CMO डॉक्टर AP मिश्रा को भी उसके कार्य करने के लिए दिया। इसमें हमारे दो एडिशनल CMO वहाँ कार्य कर रहे हैं जो इनसे संबंधित हैं। इनमें भी कोरोना काल में जब इनको भी समय नहीं मिल पा रहा था, तो हमने सारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे 10 CSCs हैं, हमने सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक लिख के दिया कि आप हमें एक सूचना दीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसा भी नर्सिंग होम जो पंजीकृत नहीं हो, और पंजीकृत हो चल रहा हो, अवैधानिक रूप से चल रहा हो। उनकी सूचनाएँ हमारे पास एक सप्ताह टाइम दिया था, उसमें नहीं आई थी। तो उन सूचनाओं में आने के बाद हमने दोबारा किया है कि भाई आप हमें सूचनाएँ दीजिए, और या आप जो सूचनाएँ नहीं दे रहे हैं क्यों ना हम आपको आपके इस पद से हटा देंगे, क्योंकि वो प्रशासनिक पद है। तो हमें आशा है कि उन लोगों को जल्दी सूचनाएं भेज देंगे, नहीं आएगी तो हम प्रशासनिक फेरबदल कर देंगे। वो प्रशासनिक पद है, उनका दायित्व भी है कि देखें अपने यहाँ। और ये गंभीर समस्या, जैसा कि मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में महसूस कर रहा हूँ इस समय, कि हमारे यहाँ जो अवैध रूप से अपंजीकृत चिकित्सालयों को, नर्सिंग होम को चलने का, एक एक कमरे में जो नर्सिंग होम चल रहे हैं उनके चलने का, और उनकी बहुत शिकायतें हैं, और मैं जहाँ गया वहाँ मैंने पाया भी है किस तरह से यह कार्रवाई की गई है। मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय भी इसको गंभीरता से लिए हैं, मेरी उनकी बात करिए। ठीक है।